कोरोना वायरस की दूसरी लहर की स्थिति अब कुछ सामान्य होती दिख रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अधिकारियों, जिलाधिकारियों, राज्य सरकारों और मेडिकल स्टाफ से वार्ता कर रहे हैं। इस कड़ी में पीएम ने शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स से संवाद स्थापित किया। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत के दौरान उनका शुक्रिया करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। दरअसल पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत यह कहते हुए कि देश ने कोरोना से मजबूत लड़ाई लड़ी है, लेकिन हमारे परिवारों के कई लोगों को हमसे छीन लिया है, जिन्हें हम वापस नहीं ला सकते। इतना कहने के बाद पीएम भावुक हो गए। पीएम ने कहा, इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूँ। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं।